न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। 18 प्लस वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ में नया फार्मूला, एक सेंटर पर 4 कैटेगरी में लगेगा टीका। पत्रकार, वकील और कैदी भी अब फ्रंटलाइन वर्कर, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। गांव के विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी का एक वीडियो आया है सामने। वीडियो में 100 से 150 के आसपास ग्रामीण करते दिख रहे हैं डांस। इस वीडियो को भाजपा की नेता और पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि ये नियमों की अवहेलना है। उन्होंने मोहन मरकाम पर पद और ताकत का गलत इस्तेमाल करने का लगाया है आरोप। ये वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। छत्तीसगढ़ में सुधरते दिखे हालात। प्रदेश में कोरोना के 12,239 नए मरीज मिले हैं। अब केवल 2 जिलों में ही 1,000 के पार हैं संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री बोले, युद्ध भी जारी है। शनिवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक रायगढ़ जिले में 1,086 नए संक्रमित मरीज मिले। वही जांजगीर चांपा जिले में नए संक्रमितों की संख्या 1,021 रही। शुक्रवार को रायगढ़ में 1,238 और जांजगीर चांपा में 144 नए मरीज मिले थे। 4 मई तक प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा जिलों में नए मरीजों की संख्या 1,000 से अधिक आ रही थी। स्वास्थ्य मंत्री इन आंकड़ों को अब राहत के तौर पर देख रहा है। मदर्स डे पर माताओं को एम्बुलेंस की कमांड। बिलासपुर में पिंक ऑटो को बनाया गया ऑक्सीजन सपोर्ट एम्बुलेंस। जरूरतमंदों को शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी फ्री सुविधा। यह समाज का संक्रमण। वैक्सीनेशन को लेकर झूठी जानकारी के लिए फेसबुक पर बनाया 18 अकाउंट। लड़कियों के नाम की फेक आईडी से फैलाता था अफवाह। इस पर एसपी संतोषी ने साइबर सेल को जांच के दिए निर्देश। टीम ने फेसबुक पर चल रही अकाउंट आईडी होल्डर के बारे में जानकारी जुटाई और फिर कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर आरोपी दरोगा पारा निवासी आशीष ठेठवार को पकड़ लिया है। कोरोना पर सरकार बनाम विपक्ष। छत्तीसगढ़ में भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने का मांगा समय। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वागत है आपका, 12 को वर्चुअल मीटिंग करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है, बकायदा इसकी होम डिलीवरी होगी। शनिवार देर रात सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सोमवार से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में सैनिटाइजर पीने और जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ लोगों की मौत की घटना आई है सामने। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शराब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही मिलेगी। फिलहाल दुकानें नहीं खोली जाएंगी। पिछले लॉकडाउन में भी हमने यह प्रयोग करके देख लिया है। 5 साल बाद माँ के लिए लौटा बेटा। मंगली ने नक्सली बेटे से कहा, घर लौट आ, अब बांके बूढ़ी हो आई है, जी भर के तुझे देखना चाहती हूँ। हथियार डालकर डीआरजी में भर्ती हुआ नक्सली अब कर रहा है देश की सेवा। यह कहानी है दंतेवाड़ा जिले के नक्सलगढ़ कहे जाने वाली गढ़मिरी गांव की। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 एज के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। कम वैक्सीनेशन की वजह से पहले आ रहे 100 से 200 लोगों को ही टीका मिल पा रहा है, जबकि 500 लोगों से अधिक को लौटाया जा रहा है। इस व्यवस्था की वजह से लोगों में गुस्सा है। रविवार को दीनदयाल ऑडिटोरियम के बाहर रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय को घेर कर लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। इस दौरान एक युवक वीडियो बना रहा था, ये देख विधायक को आया गुस्सा और वीडियो बनाने वाले युवक की तरफ लपके उनका मोबाइल छीनने की कोशिश। विकास के समर्थकों ने भी उस युवक को घेर लिया। बाद में उस शख्स ने खुद को मीडिया कर्मी बताया तो हुआ मामला शांत। रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह की मां का हुआ निधन। 4 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट आया था पॉजिटिव। मिशन अस्पताल में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से हुई उनकी मृत्यु। छत्तीसगढ़ में 18 प्लस का वैक्सीनेशन। सुबह 5 बजे से लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। हर केंद्र के बाहर लगी है भीड़। 2 घंटे बाद ही बोल दिया गया, स्टॉक हो गया खत्म। यह नज़ारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर का है। शराब और सियासत। रमन सिंह बोले, अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं मगर चिंता है शराबियों की। घर पर राशन दवा न पहुंचे मगर पहुंचे शराब। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने तय किया है कि सोमवार से घरों में शराब की हो जाएगी होम डिलीवरी, लोग ऑर्डर कर सकेंगे। इस फैसले पर अब सियासी बयानों के जाम छलकने लगे हैं। इस फैसले का विरोध करने का सिलसिला विपक्ष ने शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में कहा है कि सरकार को शाबाशी दीजिए। कोरोना संकट में ये देश की पहली सरकार है जो शराब आपकी होम डिलीवरी करेगी। आपके घर राशन दवाई और वैक्सीनेशन पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन यह शराब जरूर पहुंचेगी। सोचिए, अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं लेकिन इस सरकार को बस शराबियों की है चिंता।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा आया है सामने। अपने बच्चे को तलाश करने निकले पिता की पुलिस ने डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, इतना पीटा कि पैर की हड्डियां तक टूट गई। युवक को कराया गया है जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस का कहना है कि युवक जुआ खेल रहा था, दबिश पड़ी तो भागने लगा और इस चक्कर में गिर गया। मामला सहसपुर लोहारा क्षेत्र का है। नर्स में मां की ममता दिखी। दंतेवाड़ा के SNCU की कहानी। 308 प्रीमेच्योर बच्चों को दिया नया जीवन। अच्छी बात यह है कि यहां एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। अपर क्लास के लिए एक घंटे में खत्म हुई वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कई जिलों में सुबह 7 बजे से लगी थी लाइन, 9 बजे शुरू हुआ टीकाकरण और कुछ ही घंटों में वैक्सीन खत्म हो गया। लोग नाराज होकर लौटे। शनिवार को रायपुर में 718 समेत प्रदेश में 12,239 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। अब तक 7 लाख मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी दर 83% तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय दर से 1% ज्यादा है। रायपुर में रिकवरी दर 90% से ऊपर है। दूसरी ओर रायपुर में 49 समेत प्रदेश में 223 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में मृत्यु दर 1.2% है। इंडोर स्टेडियम में सुविधा। कोविड मरीजों को पहली बार देख सकेंगे परिजन लाइव। इस स्ट्रीम को लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। निगम ने बनाया है सिस्टम। बॉर्डर पर कोरोना जांच के बाद ही राज्य में होगी एंट्री। बस्तर राजनांदगांव कवर्धा की CM भूपेश बघेल ने की समीक्षा। चेक पोस्ट और चौकियों पर सख्ती बढ़ाने के दिए निर्देश। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश को पहली बार कोविशील्ड 3.5 लाख मिली। अब 6 घंटे हो सकेगी इस्तेमाल। प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के युवाओं के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप शनिवार को राजधानी पहुंच गई है। राज्य सरकार की ओर से भेजी गई 25 लाख से ज्यादा टीकों की डिमांड के मुकाबले 3.5 लाख टीके पहली खेप में पहुँच चुके हैं। युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश को पहली बार इतनी कोविशील्ड मिली है। छत्तीसगढ़ में 18+ टीकाकरण। पूरे राज्य में एक दिन में 36,000 लोगों ने लगवाया टीका। अंत्योदय के 3,000 और APL के 21,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।